जैन, मेरा नाम माधव जैन। मैं आपको जयपुर से एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है गुरु की महिमा। हाँ तो सुनिए, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। वो बहुत ही आलसी था। वो इतना आलसी था कि वो बस खाता, पीता, सो जाता और खेलता। इसके ये तीन ही काम थे। एक कुछ दिन बीत गए, वो बड़ा हो गया। इसके लिए अभी उसके लिए माँ बाप आए और उसने कहा कि अब तुम्हें कुछ काम पर जाना चाहिए, अब तुम्हें कुछ काम करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी शादी होगी। इसके लिए उसने कहा कि मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। इसके लिए उसने माता पिता ने गुस्से में आकर उनको घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो घर से बाहर निकलकर उदास होकर जंगल पर जाने लगा। फिर कुछ देर चलने के बाद पूरा दिन बीत गया। वो चलता रहा। फिर उसके आगे शुतुरमुर्ग दिखा, है ना। वो तो तलवार उछाल रहा था, मुझे पकड़ रहा था तलवार। तभी उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस कला को सीख लूं, तो मैं गलियों गलियों में जाऊंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। तभी उसने एक पेड़ पर बैठकर उस शुतुरमुर्ग को देखते रहा। कुछ देर बाद वो सीख गया और उसने अब वो गली गली में जाने लगा और अपनी कला दिखाने लगा और खूब पैसे भी कमाने लगा। तभी वो एक गली में गया तो उसके पास एक बच्चा आया और उसने कहा कि आप ये कला कहाँ से सीखी और आपका गुरु कौन है। तो उसने कहा कि मेरा तो गुरु कोई नहीं है, मैं तो ये अपने आप ही सीखी है। तो वो अब तलवार उछाला, उसकी जीभ ही कट गई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने गुरु का नाम छुपाना नहीं चाहिए, ताकि वो इंसान हो या जानवर, अपने गुरु को सम्मान करना चाहिए। करेंगे ना। जय।